ये सभी FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में हैं। हत्यारे, मानव तस्कर, करोड़पति धोखेबाज, ड्रग माफिया, आतंकवादी। और ये शख्स, ये इंसान विश्व शांति के लिए खतरा है और महाशक्तियों के आपसी संघर्ष का एक अहम किरदार। इसका नाम ली फेंगवे है, पर ये खुद को कार्ल ली बुलाता है और कई दूसरे नाम भी इस्तेमाल करता है। लिस्ट में इसके जितना इनाम किसी और अपराधी के सिर पर नहीं है, $50,00,000। CIA, मोसाद, जर्मनी की BND और अन्य जासूसी एजेंसियां दशकों से इसका पीछा कर रही हैं। एक अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो निजी रूप से हस्तक्षेप किया, पर कोई नतीजा नहीं। कार्ल ली के इर्द गिर्द बुना रहस्य अब तक कायम है। वो मुझे कोलंबियाई ड्रग माफियाओं की याद दिलाता है, जैसे पाब्लो एस्कोबार। मैं कहूंगी कि इस शख्स के वाकई में होने की पूरी संभावना है। वो एक शिकारी है जिसका ध्यान एक खास शिकार पर केंद्रित है, दुनिया में हथियारों का सबसे बेईमान डीलर। मेरा नाम एरन आर्नल्ड है, मैं FBI में खुफिया विश्लेषक था। मैंने जितने केस पर काम किया उनमें कार्ल ली का केस सबसे अनोखा था। मुझे वाकई ऐसा कोई और मामला याद नहीं आता जिसमें इस दर्जे की पेचीदगी और साजिश हो। ये खोज थी उस परछाई की जिसने दूसरे कारनामों के साथ साथ ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने में मदद की और जिसकी बस एक पुरानी तस्वीर भर है। ये एक तरह से कार्ल ली का एक और राज है। उसकी और तस्वीरें क्यों नहीं है, वीडियो क्यों नहीं है? आज के दौर में ऐसा लगभग नामुमकिन है कि आप इतने लंबे समय तक छिपे रहें और आपके कहीं फोटो ना खींचे। एरन आर्नल्ड ने पढ़ाई करने के लिए सालों पहले FBI छोड़ दी थी, लेकिन ये कहानी उनके दिमाग में घर कर चुकी है। ये ऐसा मामला बन चुका था जहां आप जितने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे उतने ही सवाल और खड़े होते जाएंगे। कई जांचकर्ताओं, खुफिया एजेंसी के कर्मचारियों और राजनयिकों का तजुर्बा भी एरन आर्नल्ड जैसा ही रहा। वॉशिंगटन का एक इलाका, यहाँ ऐसे कई लोग रहते हैं जिन्होंने अमेरिका की जंगों की योजना बनाई और विदेश नीति को आकार दिया। इन्हीं में से एक शख्स ने कार्ल ली का शायद सबसे पहले पता लगाया था। मेरा नाम वान वैन डीपेन है। मैं लगभग 14 वर्षों तक विदेश मंत्रालय में उस विभाग का प्रमुख था जिस पर बाकी चीजों के साथ साथ मिसाइल अप्रसार की भी जिम्मेदारी थी। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है सामूहिक विनाश के हथियारों और मिसाइलों का प्रसार रोकना। उन्होंने कई वर्षों तक सामूहिक विनाश के हथियार और इनके प्रसार को लेकर राष्ट्रीय खुफिया अधिकारी के तौर पर काम किया। 2016 के अंत तक उन्होंने अमेरिकी विदेश विभाग में भी काम किया। उस कार्यकाल में कार्ल ली के मसले से निपटने की जिम्मेदारी कुछ हद तक मुझ पर थी। कार्ल ली की समस्या। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां कम्युनिकेशन डेटा इकट्ठा करने के अपने रोजमर्रा के काम में मसरूफ थीं। जब उन्हें एक चीनी कारोबारी के संदिग्ध लेन देनों का पहली बार पता चला तो किसी को भनक तक नहीं थी कि ये मामला कितना आगे तक जाएगा। ये शायद 2000 के दशक की शुरुआत की बात है। मैं रोज रात में आई खुफिया रिपोर्ट्स पढ़ता था जो नौकरी में मेरा काम था, और उस समय कुछ कच्ची खुफिया जानकारी रही होंगी जहां कार्ल ली की गतिविधियों का पहला जिक्र किया गया होगा।
अमेरिकी सरकार को जल्द ही एहसास हुआ कि उनके हाथ एक शातिर अपराधी का सुराग लगा है, जो तेहरान पर 2006 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लगाए प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए ईरान को बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने के लिए सामान भेज रहा है। वो काफी सक्रिय था, इसलिए शायद हर हफ्ते या दो हफ्ते में कुछ न कुछ सामने आता था। जैसे ही चीजें सामने आती, हम उन पर कार्रवाई करने की कोशिश करते थे। उन्होंने पर्दे के पीछे से दबाव बनाना शुरू किया। विदेश मंत्रालय ने कार्ली के शिपमेंट मार्गों पर बाकी देशों की सरकारों के साथ जानकारी साझा करना शुरू की, ताकि जब जहाज अपना माल उतारे तो सरकारें उसके कंटेनरों को बाहर जाने से रोक सकें। पता है, कभी कभी कुछ ऐसा सामने आएगा जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा, जो प्रक्रिया आपने शुरू की थी और फिर आप उसे बढ़ते हुए देखते हैं। कभी कभी हम भी कुछ करने में असमर्थ थे, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त जानकारी नहीं थी या इससे जुड़ी खुफिया जानकारी इतनी संवेदनशील थी कि हम इसको लेकर जोखिम नहीं उठा सकते थे। ऐसे में आप चुपचाप बैठकर इसे जाने देते हैं। और इस तरह कुछ ही सालों में कार्ल ली ईरानी हथियार उद्योग का भरोसेमंद सप्लायर बन गया। जब सदी बदल रही थी, तब इजरायली जासूसी एजेंसियों की भी नजर कार्ल ली पर पड़ी। उन्हें डर था कि चीन का ये व्यापारी उनके कट्टर दुश्मन की मिसाइलों की रेंज बढ़ा सकता है, जिसके नतीजे इजरायल के लिए खतरनाक होंगे। It was more than 20 years ago. ये 20 साल से भी पुरानी बात है, जब ईरानी मिसाइलें खरीदने पहली बार उत्तर कोरिया आए थे। उत्तर कोरियाई अपनी जरूरतों को लेकर बहुत मुखर थे। उन्होंने कहा कि हमने दुकान सजा रखी है, चाहे जितनी खरीद लें। ईरानियों का सवाल काफी दिलचस्प था, मिसाइलों की रेंज क्या है। जब उत्तर कोरियाई लोगों ने जवाब दिया कि 1000 किलोमीटर, तो उन्होंने खरीदने से इनकार कर दिया। अगर रेंज 1300 से कम है तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। हम सब नक्शा देखने भागे कि ये अतिरिक्त 300 किलोमीटर उनकी क्षमता और कैसे बढ़ाएगा। जवाब साफ था, अगर मिसाइल तेल अवीव के आंगन में नहीं गिरती तो वे खरीदने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। 300 किलोमीटर का अंतर सैकड़ों हजारों मौतों की वजह बन सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां वार करते हैं, जाने तो आप लेंगे ही। ये इतना घना है कि आप बहुत से इजरायली मार डालेंगे। इसराइल पर छोटी मिसाइलों से नियमित रूप से हमला होता रहता है, लेकिन कार्ल ली भी एक वजह था जिसके शिपमेंट के कारण इसराइल ऐसी ईरानी मिसाइलों के दायरे में आ गया जो परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता वाली और कम से कम 15 मीटर लंबी थी। तकनीकी फायदों के लिए ये चतुराई दिखाई गई कि स्टील की जगह एल्यूमिनियम लगाया गया, स्टीयरिंग बेहतर की गई, वॉरहेड छोटा बनाया और एरोडायनामिक्स की स्थिरता बदली गई। अचानक ये मिसाइलें 1500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली बन गईं और इजरायल इनकी जद में आ गया। जर्मन फेडरल इंटेलिजेंस एजेंसी BND, ब्रिटिश MI6 और अन्य खुफिया एजेंसियों ने भी 2000 के दशक के दौरान कार्ल ली की तलाश शुरू कर दी। पर आखिर ये शख्स है कौन जो मिडिल ईस्ट को अराजकता में झोंक सकता है? मेरे कई सहकर्मियों ने इस शख्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता लगाने के लिए मैरिज रिकॉर्ड, डेथ रिकॉर्ड और लीगल रिकॉर्ड खंगालने में कई कई दिन खपाए हैं। जांचकर्ताओं को कार्ल ली का पासपोर्ट नंबर मिला, नंबरों की एक कतार जो चीन में फिंगरप्रिंट की तरह होती है। ये नंबर जिंदगी भर चलता है और व्यक्ति की जन्म तिथि बताता है, 18 सितंबर 1972। पहले दो अंक वो प्रांत दर्शाते हैं जहां उसका जन्म हुआ, 23 यानी हेलोंग जियांग। चीन के सुदूर उत्तर पूर्व में एक इलाका, ठीक रूस की सीमा पर, या और ठीक ठीक कहा जाए तो साइबेरिया। सत्तर के दशक में चीनी इस इलाके को महान उत्तरी जंगल बुलाते थे। आज भी बहुत कम विदेशी हेलोंग जियांग जाते हैं।
माना जाता है कि कार्ल ली ने अपना बचपन यहीं चाहयांग नाम की जगह पर बिताया। उस समय ये छोटे खेतिहर कस्बे से ज्यादा कुछ नहीं था। उसका जन्म चीनी इतिहास के सबसे खराब दौर में से एक माओ ज़ेदोंग की सांस्कृतिक क्रांति के दौरान हुआ था। उस समय देश कट्टरता और हिंसा की चपेट में था। बच्चे माओ के खिलाफ बोलने के लिए अपने माता पिता की ही शिकायत कर देते थे और उनकी मौत पर मुहर लगा देते थे। हेलोंगजियांग में बहुत सारे लोग मजदूरी करने को मजबूर हो गए, जिनमें शहरों के पढ़े लिखे युवा भी शामिल थे। बहुत संभावना है कि कार्ली के माता पिता उन्हीं लाखों लोगों में से थे जिन्होंने दलदल सुखाए, खेती की और हेलोंगजियांग को वो बनाया जो वो आज है, चीन का अनाज का कटोरा। ये चीन का अंदरूनी इलाका है, ये कोई समृद्ध क्षेत्र नहीं है, बल्कि ऐसी जगह है जो गर्मियों में खेती पर बहुत ज्यादा निर्भर रहती है, लेकिन सर्दियों में बर्फ इस इलाके को बांट देती है। यहाँ से नजदीकी बंदरगाह भी बहुत दूर है। दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ किसी भी चीज का उत्पादन अपेक्षाकृत मुश्किल होगा। पश्चिमी पर्यटक आज भी हेलोंगजियांग को एक रहस्यमय, गुम और लगभग अनोखी जगह के रूप में देखते हैं। ली फेंगवे की जिंदगी के शुरुआती साल यहीं बीते। 30 साल बाद वो कार्ल ली के रूप में दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार को चुनौती दे रहा था। जल्द ही हमने फैसला किया कि हमें चीनी सरकार के पास जाने का कोई रास्ता निकालने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम वाकई उसे रोकना चाहते हैं तो इसके लिए हमें चीनी सरकार को किसी तरह राजी करना होगा। शुरुआत में अमेरिका को लगा कि ये तरीका काम करेगा। तो फिर हमने चीनी सरकार के साथ बातचीत शुरू की और उन्हें कार्ल ली की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी और कोशिश की कि हम किसी तरह उनकी मदद करें और कार्यवाही करने के लिए राजी करें। उसी दौरान चीनी सरकार ने हथियारों के निर्यात को लेकर अपना नजरिया बदला था। 80 और 90 के दशक में चीन का हथियारों का प्रसार ज्यादातर प्रमुख राष्ट्रीय फर्मों से निर्यात पर केंद्रित था। ऐसी कंपनियां जो साफ तौर से चीनी सरकार से जुड़ी और नियंत्रित हो रही थीं और अपनी मर्जी के देशों को पूरा का पूरा सिस्टम बेच रही थीं। चीनी अर्थव्यवस्था के साथ साथ बीजिंग का प्रभाव भी बढ़ता गया। चीन ने खुद को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में पेश किया और मिसाइलों और हथियारों को गलत हाथों में जाने से रोकने के मकसद से कई समझौतों का समर्थन किया। चीन पर यकीनन अंतर्राष्ट्रीय दायित्व है कि वो कदम उठाए। मेरा मतलब है कि वो परमाणु अप्रसार संधि का हिस्सा हैं और उन्होंने कहा है कि वो मिसाइल टेक्नोलॉजी नियंत्रण व्यवस्था जैसा कुछ कर रहे हैं। तो कार्ल ली पर वापस आते हैं, उस व्यवस्था के अनुसार कायदे से चीन को उन सभी मिसाइल संबंधी तकनीकों को नियंत्रित करना था जो कार्ल ली मुहैया करा रहा था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में चीन ने भी ईरानी परमाणु गतिविधियों पर 2006 के प्रतिबंधों का समर्थन किया, लेकिन कार्ल ली ने तेहरान को आपूर्ति जारी रखी। हर महीने दो महीने में जैसे ही जानकारी आती, हम ली और उसकी गतिविधियों के बारे में चीनी सरकार को राजनीतिक रूप से विवरण देते, यानी चीनियों को ली के बारे में बताने और उनसे ली के ऊपर कार्रवाई करने के लिए कहने का अमेरिका का एक लंबा इतिहास है। ये मुलाकातें बेहद संवेदनशील थीं। चीन में CIA के जासूस नियमित रूप से गायब हो रहे थे। जरूरत से ज्यादा जानकारी देने से जिंदगियां खतरे में पड़ सकती थीं। मसला हमेशा यही तय करना होता था कि किसी समस्या के बारे में हमें खुफिया सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसका कितना हिस्सा अपने कूटनीतिक समकक्ष को बताना है। सबसे बुरा ये हो सकता है कि मैं एक कूटनीतिक समकक्ष के पास जाकर उसे बताता हूँ कि मुझे उनके देश में चल रही एक बहुत बड़ी दिक्कत के बारे में कुछ पता है और उनसे इसे रोकने को कहता हूँ। वे मेरी बताई बात अपनी खुफिया एजेंसी को बताते हैं, जिससे वे सोर्स का पता लगा लेते हैं और उस बेचारे की जान ले लेते हैं। तो समस्या की तरफ ध्यान दिलाकर सही काम करने वाला एक आदमी मारा जाता है और हमें इसकी भी जानकारी नहीं मिलती। सबको लगता है कि मसला हल हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। हुआ बस ये कि मेरा सोर्स मारा गया। उस समय जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका के राष्ट्रपति थे। जोखिमों के बावजूद उनके प्रशासन ने बार बार कार्ल ली की संवेदनशील जानकारी चीन के साथ बांटने का विकल्प चुना। 2008 में उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने निजी हस्तक्षेप किया।
कोंडोलीजा राइस ने बीजिंग में अमेरिकी दूतावास में अपने राजनयिकों को दबाव बढ़ाने का निर्देश दिया। उनसे चीनी सरकार से लगातार बात करने को कहा गया ताकि मामले में उनका हस्तक्षेप सुनिश्चित हो। राइस ने कई ठोस सबूतों के गुप्त संदेश भेजे जिनसे कार्ल ली दोषी साबित होता था। वे संदेश मिसाइल निर्माण की मशीनों और हानि रहित दिखने वाले एल्यूमिनियम और ग्रेफाइट जैसे पदार्थों की आपूर्ति के बारे में थे। आप ग्रेफाइट से थ्रस्टर्स बना सकते हैं जो मिसाइल में सबसे नीचे उसकी निकास गैसों तक पहुंचते हैं और सीधे सीधे कहा जाए तो उसका रास्ता बदल देते हैं, यानी मिसाइल पीछे से निकलने वाले पदार्थों का इस्तेमाल करके अपनी दिशा तय कर सकती है। ये भी माना जाता है कि कार्ल ली ने ईरान को बड़ी संख्या में जायरोस्कोप भी उपलब्ध कराए थे। जायरोस्कोप मूलतः मिसाइल का दिमाग, उसका संवेदी अंग है। इसी की मदद से मिसाइल दिशा तय करती है कि उसे कहां जाना है, किस दिशा में जाना है, कैसे जाना है, खुद को चलाना है और भटकना नहीं है। यही वे उपकरण हैं जो किसी भी मिसाइल को सटीक हथियार में बदल देते हैं। इस तरह मिसाइल दिशा तय करती है। जायरोस्कोप मिसाइल का नर्वस सिस्टम उसकी आँखें और कानों की तरह होता है। ऐसा लगा मानो कार्ल ली मिसाइलों के पूरे शस्त्रागार के लिए इन चीजों की पर्याप्त आपूर्ति कर रहा था। इन उम्दा उपकरणों को सावधानी पूर्वक कैलिब्रेट करना होता है। आप कार्ल ली की भेजी खेप देखिए। मेरा मतलब है कि सैकड़ों सैकड़ों एक्सेलरोमीटर, सैकड़ों एक्चुएटर की आपूर्ति की गई। यानी ईरान को सिर्फ एक या दो उपकरण नहीं चाहिए थे बल्कि ये उन्हें अपनी हर एक मिसाइल के लिए चाहिए था। 2009 में बराक ओबामा के डेमोक्रेट्स व्हाइट हाउस में आते हैं। नई विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने भी अपने पूर्ववर्ती की नीतियों में कोई बदलाव नहीं किया। कुछ ही हफ्तों के कार्यकाल के बाद उन्होंने अपने राजनयिकों से चीनी सरकार को एक संदेश देने को कहा। हम आपसे कड़ाई से इन गतिविधियों को जांचने का आग्रह करते हैं। हस्ताक्षर क्लिंटन। निश्चित रूप से वो ऐसे बहुत सारे काम कर रहा है जो चीन में अवैध हैं। हमारे हिसाब से चीनियों के पास कार्रवाई करने के लिए काफी घरेलू कानूनी आधार हैं। पता नहीं क्यों वे ऐसा नहीं कर रहे। मेरा नाम एडम काउफमैन है। मैंने 1994 में मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के ऑफिस में काम करना शुरू किया। मैं सड़कों पर होने वाले अपराधों का प्रोसिक्यूटर था। छोटे मोटे अपराधों से शुरू करके मैंने अपने लिए रास्ता बनाया और बड़े और हिंसक अपराधों के केस देखने लगा। फिर मैंने नारकोटिक्स ब्यूरो ज्वाइन किया जिसने उन अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंटों पर मुकदमा चलाया जो ज्यादातर मेक्सिको और दक्षिण अमेरिका से थे। ऐसे ट्रक जिनमें अमूमन कोकीन और कभी कभी हेरोइन भरी होती। फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, तो मैंने जाकर मिस्टर मॉर्गेंथो से बात की। 2003 में रॉबर्ट मॉर्गेंथो मैनहट्टन के जिला प्रतिनिधि थे। वो एक यहूदी परिवार से थे जो उत्पीड़न से बचकर जर्मनी से भाग निकला था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उनके पिता अमेरिकी खजाने के सचिव थे और जर्मनी को एक कृषि राष्ट्र में बदलने वाली मॉर्गेंथो योजना के निर्माता थे। युद्ध के बाद उन्होंने नवोदित देश इसराइल का समर्थन किया जिसने रॉबर्ट मॉर्गेंथो पर अपनी छाप छोड़ी। 1961 में उनके दोस्त जॉन एफ कैनेडी ने उन्हें न्यूयॉर्क का डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी नियुक्त किया। वो अमेरिकी न्यायिक इतिहास की सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में शुमार हुए। उनमें अपार साहस था। वो कठिन केस लेने से डरते नहीं थे। उन्होंने सुझाव दिया कि मैं इन्वेस्टिगेशन डिवीजन सेंट्रल नामक उनके छोटे से ब्यूरो में शामिल हो जाऊं। ये ब्यूरो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मिस्टर मॉर्गेंथो के हितों को और वैश्विक अर्थ जगत में मैनहट्टन की भूमिका देखता था। वॉल स्ट्रीट के पड़ोसी होने के नाते मॉर्गेंथो ने मैनहट्टन के लिए महज एक प्रतिनिधि से कहीं अधिक बनने की ठानी। वो खुद को अंतर्राष्ट्रीय अपराध के प्रोसिक्यूटर के रूप में देखते थे। मैनहट्टन अनोखा है क्योंकि बहुत सारा वैश्विक कारोबार मैनहट्टन के जरिए होता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय तार भुगतान, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूतियां। बहुत सारा अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक व्यापार मैनहट्टन में न्यायालय के एक मील के दायरे में होता है।
मॉर्गेंथो का तरीका था कि उनके जांचकर्ता किसी भी ऐसे अपराधी का शिकार कर सकते थे जिसका पैसा मैनहट्टन से होकर गुजरता था, और ऐसा लगभग हमेशा ही होता था जब भी कोई कहीं डॉलर ट्रांसफर करता था, यानी मॉर्गेंथो की पहुंच दुनिया के हर हिस्से तक थी। और वो अपनी ताकत आजमाने और अंतरराष्ट्रीय वित्त पर प्रभाव डालने से डरते नहीं थे। देखा जाए तो बहुत कम डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का ऐसा रुआब होता है। जब डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी 80 साल से ऊपर के थे, तब एक दिन वो कार्ल ली से टकराए। मॉर्गेंथो को अपने एक गुप्त संपर्क से एक खबर मिली। शायद 2005 के आसपास की बात है। उन्होंने हमें अपने ऑफिस बुलाया और हमसे टिकट खरीदकर फ्लाइट से इजराइल जाने को कहा। जब हमें बताया गया कि हम वहाँ इजरायली खुफिया अधिकारियों से मिलने जा रहे हैं, तो मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। न्यूयॉर्क के जांचकर्ताओं के पहुंचने तक उन्होंने कार्ल ली के बारे में सुना भी नहीं था। उन्हें बस इतना पता था कि उनके बॉस उस देश को लेकर बहुत चिंतित थे जिसका उनके पिता ने कभी समर्थन किया था। वो ईरान को इजराइल के लिए खतरा मानते थे, लेकिन आतंकवाद को लेकर भी उनका एक नजरिया था। उन्होंने इसे न्यूयॉर्क और इसके नागरिकों के लिए खतरे के रूप में भी देखा, खासकर 9/11 के बाद। उस दौर में दुनिया को ईरान की गुप्त महत्वाकांक्षाओं यानी परमाणु बम बनाने के बारे में पता चला था। इजराइल के लिए अस्तित्व का खतरा एक बेहद असामान्य मुलाकात की वजह। कोई स्थानीय अभियोजक विदेशी खुफिया सेवाओं से मिलने जा रहा हो, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना था। मतलब ना हम संघीय सरकार हैं, ना हम CIA हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मिस्टर मॉर्गेंथो के लिए ये रोजमर्रा का काम था। उम्मीद के मुताबिक इजरायलियों के पास एक व्यापक कार्यक्रम तैयार था जो ईरान के सामूहिक विनाश के हथियारों और मिसाइल खरीद पर केंद्रित था। विदेशी जासूसी एजेंसी मोसाद कुछ समय से कार्ल ली पर नजर रख रही थी, लेकिन चीन इजराइल के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से एक था और सरकार बीजिंग के साथ कोई सीधा टकराव नहीं चाहती थी। और अचानक न्यूयॉर्क के प्रोसिक्यूटर और मोसाद प्रमुख एक कमरे में थे। मुझे याद है कि मैं मायर दगान के साथ एक मीटिंग में था और वो कह रहे थे, हम नहीं चाहते कि खुफिया जानकारी ठंडे बस्ते में पड़ी रहे, हम उसके आधार पर कार्रवाई करना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि मिस्टर मॉर्गेंथो भी ऐसा ही सोचते हैं, इसलिए अगर हम आपके काम आ सके तो हम आपका केस मजबूत बनाने में मदद करना चाहते हैं ताकि आप ईरान के इरादे सबके सामने लाएं। उन्होंने कहा कि हम आपको चीजें मुहैया करा सकते हैं और अगर वे आपके काम की हों तो हम चाहते हैं कि आप उन्हें इस्तेमाल करें। इसराइल के मोसाद ने चीन के एक रहस्यमय व्यवसायी के संबंध में अमेरिकी प्रोसिक्यूटरों के साथ गुप्त रूप से सहयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने हमें कुछ शुरुआती जानकारी दी जो कार्ल ली के बारे में थी। आज तक अधिकारियों को लगता है कि वो यहीं है, एशिया के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह शहरों में से एक में। ये कार्ल ली के घर हेलोंगजियांग से लगभग 1000 किलोमीटर दक्षिण में है, यानी उत्तर कोरिया की सीमा से ज्यादा दूर नहीं। लाखों लोगों वाला एक महानगर जिसने 1980 के दशक के राष्ट्रव्यापी आर्थिक उछाल से काफी लाभ कमाया। उस समय देश पश्चिम के लिए दरवाजे खोल रहा था। माओ के उत्तराधिकारी डेंग शियाओपिंग की बदौलत उन्होंने चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जहां विदेशी निवेश संभव हो पाया। इस तरह डेंग चीन में पूंजीवाद लेकर आए। 1984 में उन्होंने डालियन को भी एक विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया। ये ठीक ठीक कहना संभव नहीं होगा कि कार्ल ली का परिवार वहां कब पहुंचा।
गहरी पड़ताल के बावजूद उसकी युवावस्था की कोई जानकारी मौजूद नहीं है। उसे जानने वालों ने कुछ नहीं बताया, अधिकारियों ने भी कुछ नहीं बताया। ये ऐसा था मानो एक व्यापक निर्देश जारी किया गया हो कि मुंह नहीं खोलना है। अब आगे बढ़ने के लिए हमारे पास सिर्फ अफवाहें और टूटी फूटी जानकारी ही है। माना जाता है कि उसने डालियन में 24 नंबर नाम के एक स्कूल में पढ़ाई की थी। ये ऊंचे ओहदों वाले पार्टी अधिकारियों के बच्चों के लिए खास स्कूल था। ये इस दावे से मेल खाता है कि कार्ल ली के दादा पीपल्स लिबरेशन आर्मी में बेहद सम्मानित कर्नल थे। ये भी माना जाता है कि कार्ल ली ने बीच बीच में सरकार के लिए भी काम किया है, लेकिन किस पद पर ये पता नहीं। एक बात पक्की है कि उसने डालियन का भरपूर फायदा उठाया, क्योंकि चाहे कानूनी हो या गैर कानूनी, ये बंदरगाह शहर कारोबार के लिए बहुत बढ़िया है। वहाँ बहुत सारी विदेशी कंपनियाँ हैं, जैसे अमेरिकी या यूरोपीय कंपनियाँ जिनकी वहाँ शाखाएं हैं और जो चीन में उत्पादन करती हैं। यदि आप हथियारों का प्रसार करना चाहते हैं तो अवसरवादी दृष्टिकोण से ये एक बेहतरीन जगह है, क्योंकि यहाँ छिपने के लिए बहुत सारी जगहें हैं। यहाँ डालियन में 1990 के दशक के अंत में एक व्यवसाय रजिस्टर किया गया। इसका नाम था लिम्ड इकोनॉमिक एंड ट्रेड कंपनी। चीनी कंपनियों के रजिस्टर के मुताबिक कार्ल ली के पिता ली गुइजियान ने 4 जून 1998 को खुद को कंपनी के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में सूचीबद्ध किया था। ये कंपनी कार्ल ली के व्यापारिक साम्राज्य की नींव थी। इसराइलियों ने हमें कुछ ईमेलों की जानकारी दी जिसमें सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी खरीद के लिए अन्य सामग्रियों और मिसाइल उत्पादन जैसी चीजों का जिक्र था। हम देर रात तक काम करते थे। हम पिज्जा और बियर ऑर्डर करते और हर समय इसी पर काम करते थे। अभियोजक खुश किस्मत रहे, क्योंकि एक खास मामले में कार्ल ली बेहद लापरवाह था। कुछ ईमेल अमेरिकी कंपनियों जैसे हॉटमेल या याहू के थे। चूंकि ये अमेरिकी थे तो ईमेल सेवा प्रदाताओं से उन ईमेल की सामग्री हासिल करने का प्रावधान था। यानी हमारे पास एक शुरुआती बिंदु था। हमारे पास मामले पर काम करने वाले कुछ बहुत प्रतिभाशाली और मेहनती प्रोसिक्यूटर थे। वे सिर्फ जानकारी निकाल रहे थे और सिरे जोड़ रहे थे। अब तक मिली जानकारियों में ये जानकारी तुरुप का पत्ता थी। जांचकर्ताओं को बेशुमार लेन देन और नकली कंपनियों का एक अभेद्य नेटवर्क मिला। हमें सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के लिए विभिन्न देशों में धन के प्रवाह के बहुत सारे चैनल मिले। उसके पास वाकई एक वैश्विक नेटवर्क था, वो मुझे अच्छी तरह याद है। ये मिशन बहुत मौलिक था, खासकर जब हमने देखना शुरू किया कि ईमेल में क्या था, तो उसकी गहराई का अंदाजा हो गया। उसने लिखा, हम पिछली कंपनी लिम्ड की तरह ही एक कंपनी है, वही फैक्ट्री, वही लोग। फर्क बस इतना है कि कंपनी का अंग्रेजी नाम बदलकर सिनो मेटलर्जी एंड मिन मेटल्स इंडस्ट्री कर दिया गया है। वो लोगों को ईमेल पर लिखता, अमेरिकी प्रतिबंधों की चिंता ना करें, मैं सिर्फ अपनी कंपनी का नाम बदलने जा रहा हूँ। मेरा मतलब उसका मेल बेझिझक था। उसने अपने व्यापारिक साझेदारों से मैदान में आने को कहा। ये बहुत जरूरी है, वरना पिछली बार की तरह पैसा दोबारा ब्लॉक हो सकता है। दुनिया भर के धातु कर्मियों के बीच वो सामग्री उपलब्ध कराने के लिए लेन देन होता था जो कार्ल ली ईरान को मुहैया कराता था। कार्ल ली को इन चीजों का भुगतान अमेरिकी डॉलर में करना होता था। अमेरिकी डॉलर के भुगतान लगभग हमेशा अमेरिकी बैंकों द्वारा क्लियर किए जाते हैं। 2000 के दशक की शुरुआत में खासकर उनमें से ज्यादातर बैंक मैनहट्टन में थे, इसलिए अगर तार भुगतान में नाम कार्ल ली या ली फेंगवे का होता तो बैंकों ने उन्हें रोक दिया होता। लेकिन अगर तार भुगतान चमचमाती मेटलर्जिस्ट कंपनी के नाम से होता, अमेरिकी बैंकों के लिए चिंता की कोई बात नहीं थी और भुगतान हो जाता। इन सभी नकली कंपनियों को स्थापित करने का पूरा आइडिया कार्ल ली का था, ताकि अमेरिकी बैंकों को मूर्ख बनाकर भुगतान कराया जा सके जो कोई और तरीका आजमाने से ब्लॉक हो सकता है। Processing payments that otherwise would have been blocked.
हालांकि वो मैनहट्टन से हजारों किलोमीटर दूर छिपा हुआ था, जांचकर्ता चाहते थे कि कार्ल ली पर न्यूयॉर्क में मुकदमे चलें। हमारा कानूनी सिद्धांत था कि गलत नामों से तार भुगतान करके कार्ल ली ने मैनहट्टन के बैंक रिकॉर्ड में गलत जानकारी दी, और इन रिकॉर्ड में हेराफेरी करना, किसी व्यवसाय के रिकॉर्ड में हेराफेरी करना न्यूयॉर्क राज्य में अपराध माना जाता है। अंत में सब कुछ मैनहट्टन के बैंकों के व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी माना गया। महीनों की जांच के बाद उन्होंने कार्ल ली को दोषी ठहराया। मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रॉबर्ट मॉर्गेंथो ने एक चीनी नागरिक के खिलाफ 118 आरोपों की घोषणा की। April 7th, 2009 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें कार्ल ली के अभियोग की घोषणा करनी थी। ये मिस्टर मॉर्गेंथो के लिए दुनिया को ये दिखाने का अवसर था कि ये चीनी कारोबारी ईरान को लोगों की जान लेने वाली सामग्री भेज रहा था। वो एक ऐसा अभियोग चाहते थे जिसमें कहा गया हो कि चीन ईरान को सामूहिक विनाश के हथियार प्रदान कर रहा है। वो चाहते थे कि दुनिया को सब पता चले और इस पर ध्यान दिया जाए। रॉबर्ट मॉर्गेंथो ने 36 वर्षीय कार्ल ली को प्रत्यर्पित करने की याचिका दायर की। बड़ा सवाल ये है कि क्या चीनी सरकार को वाकई पता था कि चीनी बैंक इनमें से कुछ लेन देन में शामिल थे। चीनी कंपनियों पर लंबे समय से अमेरिका में नकली कंपनियां इस्तेमाल करने का आरोप लगता आया है। केटी पिलग्रिम, CNN न्यूयॉर्क। लेकिन चीनी सरकार ने प्रत्यर्पण की इस कोशिश में कुछ खास रुचि नहीं दिखाई और अब कार्ल ली सतर्क था। माना जाता है कि वह चीन से सीधी उड़ान लेकर बिजनेस के लिए तेहरान चला गया, ताकि उसे किसी विदेशी पड़ाव पर हिरासत में लेकर सीधे अमेरिका ना भेज दिया जाए। मुझे याद है कि मैंने अमेरिकी दस्तावेजों में उसका नाम कई बार देखा और सोचा कि कौन है ये आदमी। मेरा नाम डेनियल सालिसबरी है और मैं लंदन के किंग्स कॉलेज में एक शोधकर्ता हूँ, जहाँ मैं प्रसार, हथियार निर्यात और हथियारों पर प्रतिबंध पर शोध करता हूँ। डेनियल सालिसबरी युद्ध अध्ययन विभाग में शोधकर्ता हैं। अकादमिक लोग पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के साथ अच्छे संबंध रखते हैं और अक्सर उनकी दिलचस्पी समान चीजों में होती है। उनकी खासियत ऐसी जानकारी खोद निकालना होती है जो सुलभ तो सबके लिए है, लेकिन मिलती कम ही लोगों को है। जब आप ये मामले देखना शुरू करते हैं तो काफी जानकारी आंखों के सामने होती है पर नजर नहीं आती, इसलिए हमने कुछ चीनी भाषाविदों की मदद ली और ठीक से पता लगाना शुरू किया कि इंटरनेट पर क्या क्या मौजूद है। शोधकर्ताओं ने वाणिज्यिक रजिस्टरों, सीमा शुल्क और अदालती डेटाबेस खंगालने के लिए चीनी कीवर्ड्स का उपयोग किया। इस तरह डेनियल सालिसबरी और उनके सहयोगी लंदन में अपने घर से कार्ल ली की कंपनियों के नेटवर्क पर रोशनी डाल पाए। हमने पाया कि उसके ज्यादातर बिजनेस दो पतों से जुड़े थे। तो यूशियो मेंशन डालियान में एक बड़ा ऑफिस ब्लॉक प्रतीत होता है। ये गगनचुंबी इमारत नहीं है पर काफी ऊंची है। इसमें बहुत सारी मंजिलें हैं और मुझे लगता है कि ये ऑपरेशन का प्रशासनिक हिस्सा है। अपने चीनी भाषाविदों के साथ काम करते हुए हम इमारत के बाहर की कुछ तस्वीरें ढूंढ पाए और समझ पाए कि ये कैसी दिखती थी और वहाँ किस तरह के काम हो सकते थे। वहाँ कई बिजनेस पंजीकृत थे, प्रशासनिक काम जिनमें लोगों को काम पर रखना और ऐसी ही चीजें शामिल थी। उन्होंने एक और खोज की जिसने कार्ल ली के प्रति उनकी धारणा को पूरी तरह बदल दिया। उसके तार जितनी कंपनियों से जुड़े उनमें से एक की वेबसाइट थी, जिससे पता चला कि वो सिर्फ डीलर नहीं था। उसमें अलग अलग तरह के ग्रेफाइट के लिए कई उत्पाद दिखाए गए थे। तब हमें समझ आया कि शहर से बाहर का पता सिर्फ एक व्यवसायिक पता या गोदाम या कार्यालय नहीं, बल्कि एक बड़ी ग्रेफाइट फैक्ट्री थी। इसने हमारे दिमाग में समस्या का स्तर बदल दिया। मतलब वाकई ये एक तरह से दिमाग घुमा देने वाली खोज थी।
सैटेलाइट इमेजरी से पता चला कि ये बहुत बड़ी जगह है। मुझे लगता है कि ऑनलाइन पर यह लगभग 80,000 वर्ग मीटर बता रहा था। ये साबित करना काफी मुश्किल है कि इन इमारतों के भीतर क्या चल रहा है, लेकिन चीन में एक फैक्ट्री में इन चीजों का उत्पादन ये पूरी तरह से अलग तरह की समस्या बन जाती है। महीनों की तैयारी के बाद शुरू हुआ चीन में तथ्य खोजने का मिशन, उस शहर में जहां जांचकर्ताओं, जासूसी एजेंसियों और लंदन के शोधकर्ताओं का मानना था कि कार्ल ली छिपा हुआ था। दुनिया के सबसे वांछित हथियार डीलर के बारे में मिले सभी संकेत इस शहर में जाकर खत्म हुए। कार्ली से कथित संबंध वाली कई कंपनियां डालियन में पंजीकृत हैं। हमने मान लिया कि अगर वो हमें कहीं मिलेगा तो यहीं मिलेगा। जब महामारी शुरू हुई तो चीन ने खुद को बाकी दुनिया से काट लिया। सरकार ने कई विदेशी पत्रकारों को निष्कासित कर दिया और छोटे पत्रकारों को वीजा देना बंद कर दिया। इस फिल्म के लिए कार्ल ली के करीब जाने का इकलौता तरीका उन लोगों से जुड़ा था जो चीन में लंबे समय से रह रहे थे, यानी क्रिस्टोफ गीजन और मथियास बोयलिंगर जो कैमरामैन हैं। और फिर इन दोनों ने 7.5 करोड़ की आबादी वाले शहर में एक व्यक्ति को खोजना शुरू किया। हम उन कई कंपनियों का दौरा करने गए जो वहाँ पंजीकृत हैं या थीं, और कोशिश की कि जितना देखकर पता लगाया जा सके कि हम किससे बात कर सकते हैं, कौन हमारे सामने रखी इस पहेली में अगले सुराग दे सकता है, या क्या हमें ऐसे सुराग मिलेंगे जो आखिरकार उसके होने को साबित करेंगे। हमने जिस पहली इमारत का दौरा किया वो डालियन के लगभग केंद्र में एक ऑफिस टावर ब्लॉक था। किंग्स कॉलेज की रिपोर्ट में इसे कार्ल ली के साम्राज्य की बुनियाद होने का अनुमानित केंद्र बताया गया है। पहले कहा जाता था कि कार्ल ली की कंपनियों ने इस बिल्डिंग की 25वीं मंजिल पूरी किराए पर ली थी, तो हम लिफ्ट से वहीं गए। तो क्या वो वाकई खुद वहां था? क्या उसके बॉडीगार्ड्स हैं? क्या वो पुलिस बुलाएगा? कॉरिडोर के आखिर में एक सरप्राइज मिला। वहाँ 8 कार्यालय या अपार्टमेंट थे। हमने हर एक दरवाजा खटखटाया और किसी ने भी उस इमारत में पंजीकृत व्यवसायों के बारे में सुना तक नहीं था। इस सब का कोई नतीजा नहीं निकला। मेरा नाम थॉमस कंट्रीमैन है। मैं कुल 35 वर्षों तक विदेश सेवा अधिकारी रहा। 1982 से 2011 तक मैंने संयुक्त राष्ट्र, व्हाइट हाउस और पेंटागन के अलावा 5 अलग-अलग दूतावासों में काम किया। मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप और मिडिल ईस्ट के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। कंट्रीमैन ने अपने करियर में कई राष्ट्रपतियों के साथ काम किया है। जब अमेरिकी विदेश नीति की बात आती थी तो उन्हें एक हरफन मौला व्यक्ति के रूप में देखा जाता था जिसकी बारीकियों पर पैनी नजर होती थी। फिर 2011 से 2017 तक मैं परमाणु अप्रसार के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का सहायक सचिव था। संक्षेप में, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और अप्रसार ब्यूरो का एक काम है जहां हम दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों को दुनिया के सबसे खतरनाक नेताओं के हाथों से दूर रखते हैं। इस दिशा में मेरा सबसे महत्वपूर्ण काम था चीनी सरकार के साथ मिस्टर ली द्वारा चीन से ईरान को
हाईटेक सामग्री के अवैध निर्यात के बारे में अपनी चिंता को लगातार जाहिर करना। बीजिंग के राजनयिक इलाके की इस इमारत ने यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये है ईरानी दूतावास। उसका सीधा संपर्क बीजिंग में ईरानी डिफेंस अटैची के माध्यम से था। बीजिंग में ईरानी डिफेंस अटैची का प्राथमिक काम ईरान के सैन्य कार्यक्रमों के लिए आवश्यक तकनीक हासिल करना है। जब कंट्रीमैन ने पद संभाला, तब तक कार्ल ली को ईरान के साथ व्यापार करते हुए एक दशक हो चुका था। संक्षेप में कहें तो समस्या ये थी कि वो ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल टीम का सबसे कीमती सदस्य बन गया था, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि उसकी गिरफ्तारी से ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम बंद हो जाता, लेकिन हमें यकीन है कि ये काफी धीमा जरूर हो जाता। मैंने चीनी समकक्षों के साथ अपनी हर बातचीत में इसके बारे में बात की। हम अक्सर न्यूयॉर्क में, वियना में, जिनेवा में हर मीटिंग में एक दूसरे से मिलते, पर हम एक दूसरे की राजधानियों वॉशिंगटन और बीजिंग में भी मिलते थे। इस मामले ने दोनों महाशक्तियों के बीच संबंधों पर भारी असर डाला। वो एक तरह से पल्ला झाड़ लेते और कहते कि ये चीन की बात नहीं है, ये सिर्फ एक आदमी है, पर दूसरी ओर कहते कि चीनी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने से हम काफी ज्यादा निराश हैं। तो वे दोनों तरीकों से मनमर्जी करने की कोशिश करते। इसलिए जब कभी हम कार्ल ली सहित चीनी संस्थाओं की मंजूरी पर नाराजगी की बातें उठाते तो कई बार बयानबाजी थोड़ी गर्म हो जाती। पर चीन कुछ कर क्यों नहीं रहा था? अमेरिका को अंदेशा था। उन्होंने सोचा कि कार्ल ली के पास चीनी सरकार के भीतर शक्तिशाली सहयोगी रहे होंगे। मेरा मानना है कि अगर वो अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, अगर उसके पास वकील हैं, अगर उसके पास प्रभाव है, यानी चीनी मध्य स्तर के अधिकारी के तुलना में कहीं अधिक संसाधन है, तो उस स्तर के अधिकारी के लिए कार्ल ली के खिलाफ जाना या उसे रोकना मुश्किल है। हमें चिंता इस बात की है कि उससे ऊपरी स्तर के अधिकारियों को भी कुछ कार्रवाई करने की कोई परवाह नहीं थी। न्यूयॉर्क के सरकारी प्रोसिक्यूटरों के बाद अब अमेरिका की सबसे शक्तिशाली जांच संस्था एफबीआई की नजर कार्ल ली पर पड़ी। मुझे लगता है कि इस तरह के ऑपरेशन का दायरा और पैमाना वाकई उस समय एफबीआई के किसी भी और प्रकार के मामले को पीछे छोड़ देता है। एफबीआई ने चीनी व्यवसायी के मामले पर काम करने के लिए जांचकर्ताओं और विश्लेषकों के एक पूरे समूह को नियुक्त कर दिया। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा कि कौन और कितने लोग काम कर रहे थे। किसी भी एचआर की तरह कार्मिक मुद्दे इंटेल की सीमा से परे हैं। ये एक डॉक्यूमेंट्री में नहीं बता सकते, लेकिन हमारा पूरा फोकस कार्ल ली पर था और कई सालों तक एफबीआई में ये एक प्राथमिक जांच रही। मोटे तौर पर 2014 की समय सीमा में न सिर्फ कार्ल ली की गतिविधियां विकसित और बदतर होती गईं, बल्कि बाकी एजेंसियां जिन विकल्पों के बारे में सोच रही थीं, वे भी काम नहीं करने वाले थे। उदाहरण के लिए कुछ एजेंसियां थीं जो अमेरिकी अदालतों में कार्ल ली पर मुकदमा चलाने की कोशिश कर रही थीं, और कई सालों के बाद उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा होने वाला नहीं था। ये साफ हो गया कि ये हमारा दायित्व और मौका दोनों था कि हम चीनी सरकार पर मिस्टर ली को ईरान को इस तकनीक का निर्यात करने से रोकने के लिए अधिक दबाव डालें। उस समय चीन एक नए युग के कगार पर था। शी जिनपिंग ने 2012 में सत्ता की बागडोर संभाली। अमेरिका को कार्ल ली के इस मामले पर प्रकाश डालने का मौका मिला। इसमें चीन के प्रति एक कूटनीतिक दृष्टिकोण शामिल था, जिस पर न सिर्फ मेरे स्तर पर बल्कि अमेरिकी सरकार के उच्च स्तर पर भी जोर दिया गया। राष्ट्रपति ओबामा तक भी नाम पहुंचा है। मैं ये भी जानता हूं कि राष्ट्रपति ओबामा ने चीनियों के सामने उसका जिक्र भी किया था, बल्कि खास तौर से शिकायत की थी।
दुर्भाग्यवश इसके बावजूद कार्ल की गतिविधियों और व्यवहार में कोई खास बदलाव नहीं आया। तब अमेरिकी सरकार ने एक हथियार डीलर के मामले में अभूतपूर्व स्तर की प्रक्रिया शुरू की। हमारी कई बैठकें हुई, कभी स्टेट विभाग में, कभी व्हाइट हाउस के बगल वाली बिल्डिंग में जो व्हाइट हाउस का हिस्सा है। जासूसी एजेंसियां, जांच अधिकारी और कई मंत्रालय एक संगठित हमले की योजना बनाने के लिए एकजुट हुए। मानो कार्ली नाम का एक तूफान जोर पकड़ने लगा, जिसे इंटर एजेंसी ने शुरू किया, तो एक अमेरिकी आपराधिक अभियोग निकला। कुछ और प्रतिबंध लगाए गए, जिनमें नए प्रकार के प्रतिबंध भी शामिल थे, वगैरह वगैरह। इसमें FBI का कानूनी दबाव भी शामिल था। तो ये थी कार्ली की गलती कि उसने अपने अवैध लेन देन में अमेरिकी वित्तीय प्रणाली का उपयोग किया, और ये वही लीवर था जिसे FBI और न्याय विभाग को इस्तेमाल करना पड़ा, और आखिरकार कार्ली के लगभग $7 मिलियन जब्त कर लिए गए। साथ ही उसे पकड़वाने के लिए सूचना देने वाले के लिए एक इनाम भी रखा गया। सरकार ने उसके गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को $50 लाख का इनाम देने की घोषणा की, बिल्कुल वैसे ही जैसे ड्रग माफिया अल चापो या दो अमेरिकी दूतावासों पर हमले के बाद ओसामा बिन लादेन पर इनाम रखा गया था। अगर आप औसत देखें तो आमतौर पर 10 लाख का इनाम घोषित किया जाता है। 50 लाख बहुत ज्यादा है, बड़ी रकम है, इसका कुछ तो मतलब होगा। हाँ, ये वाकई बहुत पैसा है। अगले दिन चीनी सरकार ने कार्ली मामले पर अपना पहला सार्वजनिक बयान जारी किया। चीन अमेरिका द्वारा अपने घरेलू कानूनों के जरिए चीनी कंपनियों या व्यक्तियों पर एक तरफा प्रतिबंध लगाने का कड़ा विरोध करता है। अमेरिका के उठाए कदम समस्या हल करने में मदद नहीं करते और परमाणु और प्रसार में बहुपक्षीय सहयोग को नुकसान पहुँचाते हैं। बीजिंग और वॉशिंगटन आखिरकार खुलकर आमने सामने आ गए। हम अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता और सुरक्षा के खिलाफ इस व्यक्ति द्वारा की गई गतिविधियों और उनके खतरे के बारे में बहुत स्पष्ट हैं। इसीलिए हम विदेश मंत्रालय द्वारा बहुत साफ थे कि हम उसके ठिकाने के बारे में जानकारी देने के लिए इनाम की पेशकश करेंगे जो उसे न्याय के कटघरे तक ला सके। अगर वो चीन में है तो इनाम की क्या जरूरत है? जैसा कहा गया है कि फिलहाल वो भगोड़ा है, इसीलिए मैं अटकलें नहीं लगाऊंगी कि वो कहाँ हो सकता है। कैपिटल हिल में भी सीनेटरों ने अपना रोष प्रकट किया। तो चीनी सरकार कहती है कि वे पता नहीं लगा पा रहे हैं, वे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उसे या उसके जैसे लोगों को रोका कैसे जाए। लेकिन अच्छी खबर ये है कि वे चीन में बाकी चीजें पता लगा सकते हैं। उन्होंने पता लगा लिया कि पिछले साल एक नारीवादी संगठन से जुड़ी 5 महिलाओं को कैसे गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने पता लगा लिया कि पिछले साल 44 पत्रकारों को जेल में कैसे डाला जाए। उन्होंने ये पता लगा लिया कि पिछले साल उइगुर इलाके में 27,000 मुस्लिम अल्पसंख्यकों को जेल में कैसे डाला जाए। वे ये सब पता लगा सकते थे, लेकिन कार्ली का पता नहीं लगा सकते थे। मिस्टर ली के पास पैसा और वकील हैं, और उइगुरों, महिलाओं के NGO और बाकियों के पास नहीं है। चीनी सरकार ने दिखा दिया कि उसके पास इतने अधिकार और क्षमता हैं कि अगर वे किसी बिजनेस को ठप करवाना चाहें तो एक झटके में करा सकते हैं। और फिर अचानक इंटरनेट पर ली फेंगवे उर्फ कार्ल ली के बारे में एक वेबसाइट सामने आई। उसके संचालकों ने कहा कि उनका मकसद ली के बारे में जानकारी फैलाना था। वेबसाइट पर कार्ल ली की तस्वीरें, फोटो मोन्टाज और अंग्रेजी, चीनी और अरबी भाषा में लेख शामिल थे। यमन के गृह युद्ध में हजारों बच्चों की पीड़ा में उसकी भूमिका के बारे में, ईरानी मिसाइलें कहां कहां तैनात की जा रही हैं और हथियारों के सौदे के बारे में। पर इस वेबसाइट के लिए कौन जिम्मेदार है? संचालकों ने लिखा कि ये छात्रों का एक पाठ्यक्रम प्रोजेक्ट है। एक लेक्चरर ने उन्हें ये आइडिया दिया। मुझे नहीं लगता कि ऐसी बहुत सारी क्लास होंगी जो कार्ली पढ़ा रही हो। ये बहुत अजीब विषय है, थोड़ा हटकर।
मेरे ख्याल से मैं और मेरे सहकर्मी शायद उन सभी लोगों को जानते हैं जो कार्ल ली के बारे में पढ़ा रहे हैं, और उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि ये वेबसाइट किसने बनाई। मैं जेफ स्टाइन हूं और लगभग 40 सालों से राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को कवर कर रहा हूं। इससे पहले मैं सेना में एक आर्मी इंटेलिजेंस केस अफसर के रूप में काम करता था, जहां मैंने सीखा कि अवैध मानसिकता कैसे काम करती है। इतने सालों से ये जानकारी मेरे काफी काम आई। मैं कई सालों तक न्यूजवीक और द वॉशिंगटन पोस्ट के साथ था, और अब अपने सेमी रिटायरमेंट में मैं खुफिया मुद्दों को कवर करने वाली एक वेबसाइट स्पाई टॉक का मुख्य संस्थापक संपादक हूँ। मुझे लगता है कि मैंने पहली बार उसके बारे में 2015 की शुरुआत में सुना था। मैंने इस व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाए जाने के बारे में सुनना शुरू किया था, जिसे हम कार्ल ली या ली फेंगबे कहते हैं। तो मैंने इस मामले पर गौर करना शुरू किया और ये पाया कि संघीय अधिकारी मुझे सारी जानकारी देने और बताने को तत्पर थे कि क्या हो रहा है। मैंने न्यूजवीक के लिए एक बड़ा लेख लिखा। उनके लेख का शीर्षक था, कैसे चीन ने ईरान को परमाणु क्षमता हासिल करने में मदद की। उसमें खुफिया एजेंसी के सूत्रों से मिले कई विवरण शामिल थे। उसे लग्जरी कारें पसंद थी, लेकिन मुझे ये भी बताया गया कि वो घर पर ही रहने वाला व्यक्ति था। वो डालियन से ज्यादा दूर नहीं गया। हमें उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता चला, सिवाय इसके कि हमारे पास एक संवाददाता था जो वहां उसके कार्यालयों और उसके घर का पता लगाने गया और उस पर कुछ रिपोर्टिंग की। इसलिए हमें पता था कि वो वहां था। हम जानते थे कि वो एक असली इंसान है, पर हम उसके बारे में और ज्यादा जानकारी नहीं जुटा पाए। और फिर आई ट्रंप सरकार। मुझे ये सोचकर गुस्सा आता है कि चीन हर साल $500 बिलियन कमा रहा है, हमारी नौकरियां चूस रहा है, हमारे देश से हमारा पैसा चूस रहा है, और हम इसके बारे में कुछ नहीं करते हैं। ट्रंप प्रशासन हर चीज के लिए चीन को दोषी ठहराने के अभियान पर था, और इसी के तहत व्हाइट हाउस के कुछ अधिकारियों ने मुझे व्हाइट हाउस में ली फेंगबे के मामले पर चर्चा करने के लिए बुलाया। बात है 2018 की। ट्रंप व्हाइट हाउस यकीनन अपनी विदेश नीति के बारे में मेरी भावनाओं को अच्छी तरह से जानता था, जो नकारात्मक थीं। जब भी मैं व्हाइट हाउस के प्रवक्ताओं को किसी बात पर टिप्पणी के लिए फोन करता था, तो अक्सर उनसे तीखी नोकझोंक होती थी। तो उन्होंने इस मामले के बारे में बात करने के लिए मुझे व्हाइट हाउस या उसके पुराने एग्जीक्यूटिव ऑफिस में बुलाया, जो काफी असामान्य था। मेरा मतलब है, मैं खुश हुआ। खैर, फेंगबे के मुद्दे पर हमारे विचार समान थे। जब व्हाइट हाउस ने कार्ल ली के खिलाफ आक्रामक प्रचार अभियान शुरू किया, तब ईरानी मिसाइलों से पैदा खतरे पर जबरदस्त जोर डाला गया। ट्रंप के अंत में संयुक्त राष्ट्र में ट्रंप के राजदूत ने मीडिया से उस जगह खड़े होकर बात की जहां यमन में ईरान के सहयोगियों द्वारा सऊदी अरब पर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल का मलबा पड़ा था। मिसाइल का टारगेट रियाद का नागरिक हवाई अड्डा था, जहां से रोजाना हजारों लोग यात्रा करते हैं। जरा सोचिए, अगर ये मिसाइल डलास हवाई अड्डे, JFK एयरपोर्ट या पेरिस, लंदन या बर्लिन के हवाई अड्डों पर छोड़ी गई होती। इसीलिए हम यहाँ इस बारे में बात कर रहे हैं। ईरान सक्रिय रूप से इस चीज का समर्थन कर रहा है। शुरुआत में कई लोगों को लगा कि क्या अमेरिका दोबारा वही पुरानी कहानी दोहरा रहा है, जैसा उन्होंने इराक युद्ध से पहले किया था और सद्दाम हुसैन के सामूहिक विनाश के हथियार कार्यक्रम के कथित सबूत पेश किए थे। लेकिन इस बार विशेषज्ञों को भरोसा था। अपनी बनावट में मिसाइल ठीक वैसी ही थी जैसी हम ईरान से हासिल जानकारी से जानते हैं, और जिसे ईरान ने कुछ साल पहले कई वीडियो और प्रेजेंटेशन में बड़े गर्व से दिखाया था। मलबे के टुकड़ों में से एक से कुछ जानकारी मिली।
एक खास ईरानी हथियार कंपनी का लोगो, कार्ली के सबसे महत्वपूर्ण ग्राहकों में से एक। रियाद पर हमले ने हमलों की एक पूरी श्रृंखला की शुरुआत की जो आज तक जारी है। हम उन्हें वे मिसाइलें इस्तेमाल करते देखते हैं, हमने उन्हें इराक में इनका इस्तेमाल करते देखा, हमने उन्हें सऊदी अरब और सीरिया में इनका इस्तेमाल करते देखा जहां इनका जबरदस्त असर पड़ा। हम ये भी देखते हैं कि ईरान पूरे क्षेत्र में इन मिसाइलों का प्रसार कर रहा है। उदाहरण के लिए लेबनानी हिजबुल्ला सबसे लोकप्रिय प्रॉक्सी है और ईरानी मिसाइलों का सबसे लोकप्रिय ग्राहक है, लेकिन यमन में हूथी अब भी काफी हद तक ईरानी मिसाइलें इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब ईरान और अमेरिका युद्ध के करीब पहुंचे तो ईरानी मिसाइलें उसका एक महत्वपूर्ण कारक थीं। हालिया वर्षों में जो एक हमला खास तौर से सामने आया वो जनवरी 2020 में इराक में अमेरिकी बेस पर हुआ ईरानी हमला था। ईरान ने इन साइटों को निशाना बनाकर एक दर्जन मिसाइलें दागी थी। ये बहुत खतरनाक था। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिकी सेना के जवानों में 100 से अधिक दर्दनाक दिमागी चोटें आईं। अगर इस हमले के परिणाम स्वरूप अमेरिकी मौतें हो जाती तो हमने पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक तीव्र अमेरिकी प्रतिक्रिया देखी होती, और मैं कह नहीं सकता कि ये मामला और किस हद तक बिगड़ जाता। एक बात पक्की है, कार्ल ली की मदद के बिना ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम वहाँ नहीं होता जहाँ वो आज है। लेकिन चीनी सरकार क्या कह रही है? जवाब खोजने की संभावना चीन के बाहर सबसे ज्यादा है। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन, दुनिया भर के नेताओं और मंत्रियों, सैन्य अधिकारियों और जासूसी एजेंसी प्रमुखों का एक सालाना जमघट। फरवरी 2020 में अतिथि सूची में चीन के सर्वोच्च रैंकिंग वाले राजनेताओं में से एक शामिल थे विदेश मंत्री वांग यी, जिनका मंत्रालय दो दशकों से कार्ल ली को लेकर अमेरिका के साथ बातचीत करता आ रहा था। म्यूनिख दौरे पर वांग यी और कम लोकतांत्रिक देशों के बाकी मेहमानों को कुछ ऐसा सहना पड़ा जो शायद उनके अपने देशों में कभी बर्दाश्त नहीं किया जाता। पत्रकारों के चुभते हुए सवाल। सिर्फ एक सवाल, ठीक है। सवाल ये है, आप मिस्टर ली फेंगवे, जिन्हें कार्ल ली के नाम से भी जाना जाता है, उसको रोकते क्यों नहीं? वो FBI की मोस्ट वांटेड सूची में है। ये आरोप निराधार है। चीनी विदेश मंत्री का जवाब। बेशक चीन ने स्वीकार ही नहीं किया कि वो ईरान को मिसाइल संबंधी कोई सामग्री या पुर्जे उपलब्ध करा रहा है, इसलिए पुख्ता सबूत होना थोड़ा मुश्किल है। मेरा अपना संदेह यह है कि संयोगवश उन दोनों की दिलचस्पी एक ही कारोबार में थी। कार्ल ली के कारोबार शी जिनपिंग की रणनीति के अनुरूप हैं। वे अपने देश को दूसरी महाशक्ति के रूप में देखते हैं, जो आर्थिक और सैन्य रूप से अमेरिका को जल्द ही पछाड़ देगी। चीनी रणनीतिकार मानते हैं कि एक मजबूत ईरान से चीन को इस दिशा में लाभ होगा। मध्य पूर्व में अमेरिकी रणनीति को और जटिल बनाने के लिए शायद पश्चिमी सरकारों को मध्य पूर्वी समस्याओं की तरफ ध्यान भटकाने और इंडो पैसिफिक में जो हो रहा है जिसके पीछे शायद चीन का हाथ हो सकता है, उससे ध्यान हटाया जा रहा है, तो ये उनके लिए बहुत सुविधाजनक होगा। जैसे अगर चीन किसी दिन अपनी धमकियों को अंजाम देने का फैसला करता है, अगर सैन्य पैंतरेबाजी असली युद्ध में बदल जाए और पीपल्स लिबरेशन आर्मी ताइवान पर हमला बोल दे। लेकिन आखिर वो इंसान है कहाँ जो पिछले कुछ सालों और दशकों में महाशक्तियों के टकराव में एक प्रमुख किरदार बन चुका है।
चीन में रिपोर्टर टीम कार्ल ली के नेटवर्क की सबसे महत्वपूर्ण कंपनियों में से एक डालियन करात इंडस्ट्री की ओर जा रही है। बिजनेस इसी बिल्डिंग में पंजीकृत है। ये कोई ऑफिस नहीं बल्कि एक आम चीनी परिसर था। कंपनी वास्तव में अस्तित्व रखती है, इसके निर्यात करने के दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। यहाँ तक कि इसने अनुबंध का उल्लंघन करने वाले एक सप्लायर के खिलाफ अदालत में केस भी जीता हुआ है। लेकिन दरवाजा खोला, हाथ में चाकू पकड़ी एक बुजुर्ग महिला ने। वो सब्जी काट रही थी। जब हमने उस महिला से पूछा कि वो कहां से आई है तो उसने कहा हेलोंग जियांग। जब हमने पूछा कि वहां कौन से इलाके से आई हैं और चायांग का नाम लिया तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो बिल्कुल वहीं से आई हैं। चायांग एक छोटा खेतीहर कस्बा है। माना जाता है कि कार्ल ली ने यहीं अपना बचपन बिताया। ये डालियन से 1000 किलोमीटर दूर है। अब ये बहुत उल्लेखनीय हालात हैं। किसी दूसरे प्रांत में ऐसे किसी व्यक्ति को पाना जो लगभग 10,000 की आबादी वाली ठीक इसी जगह से आता हो। उसका कार्ल ली से क्या रिश्ता है? क्या उसने ली को सिर्फ अपना पता इस्तेमाल करने दिया? शायद वो उसे अपने शहर से जानती होगी जब वो छोटा बच्चा हुआ करता था। जब हमने कार्ल ली के बारे में पूछा तो उनका जवाब था कि वो नहीं जानती कि उससे कैसे संपर्क किया जाए। फिर अपेक्षाकृत जल्दी से उसने अपनी उम्र का हवाला दिया और कहा कि वो 80 वर्ष से अधिक की हैं और कार्ल ली को ढूंढना हमारा काम है। आज तक ये अपार्टमेंट डालियन करात उद्योग का आधिकारिक मुख्यालय है। कम से कम चीनी कंपनियों के रजिस्टर में तो यही लिखा है। इस कहानी में हर जवाब और ज्यादा रहस्यों तक ले जाता है, जैसे कि ये सवाल कि हु इज ली फेंगवे वेबसाइट के पीछे कौन है। एक बात हम जानते हैं, प्रशासक नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि वे कौन हैं। उन्होंने एक गुमनाम डोमेन पंजीकरण का विकल्प चुना। साइट पर लिखी चीजें लगातार अजीब हैं और बढ़ती जा रही हैं। इस कॉमिक का संदेश है, बेईमान और मुनाफे के भूखे हथियार डीलर कार्ल ली को जांचकर्ताओं और अभियोजकों से डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो हर बार चीनी सरकार के पीछे छिप सकता है। काफी अविश्वसनीय है ना? मुझे नहीं लगता कि हमने कभी किसी हथियार कारोबारी के साथ ऐसा कुछ होते देखा है। मेरा मतलब, ये काफी बारीकी और सोच विचार के साथ किया गया है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसमें काफी संसाधन लगाए हैं। मुझे इसे पढ़ने और अलग अलग चीनी कॉमिक्स देखने के बाद लगा कि चीनी सरकार ने चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर लोगों से बात करने के लिए यही तरीका इस्तेमाल किया है। ऐसा लगता है कि किसी ने वो सब देखा और सोचा कि चीनी लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। और फिर अचानक वेबसाइट बनाने वालों का एक संभावित सुराग सामने आता है इस फेसबुक प्रोफाइल पर। ऐसा लगता है कि जिसकी ये प्रोफाइल है वो जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की पढ़ाई कर रहा है और स्वीकार करता है कि हु इज ली फेंगवे वेबसाइट उसकी है। कथित तौर पर वो हाइडलबर्ग में पढ़ रहा है। उसने वहाँ के विश्वविद्यालय और हाइडलबर्ग छात्र जीवन से जुड़ी कई साइटें लाइक की हुई थी। अजीब बात यह है कि हाइडलबर्ग विश्वविद्यालय में किसी ने झांग जिंगबो नामक छात्र के बारे में सुना तक नहीं था। चीनी हथियार डीलर के बारे में किसी इंटरनेट साइट या अध्ययन प्रोजेक्ट की बात तो छोड़ ही दीजिए। न तो किसी प्रोफेसर ने, न ही किसी छात्र प्रतिनिधि ने। बैंक रिकॉर्ड और ईमेल के हमारे विश्लेषण से पता चला कि वो यूरो में बहुत बिजनेस कर रहा था। उनमें से कई भुगतान फ्रैंकफर्ट से किए गए, तो हमने फैसला लिया कि हम जर्मनों को अपने जैसे कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करेंगे और हम जर्मनी चले गए। हमने अपनी जानकारी वाले यूरो भुगतानों की एक फाइल तैयार की। हम मूल बैंक,
सारी पार्टियां, तारीखें और वे बैंक दिखा रहे थे जो यूरोप से भुगतान का संचालन कर रहे थे और खास तौर से जर्मन बैंक जो भुगतान होने दे रहे थे। And we went over to Bonn. हम बॉन गए और हमारी मुलाकात एक महिला संघीय अभियोजक से हुई जो जर्मनी में प्रतिबंध लागू करने की प्रभारी थी। हम संघीय पुलिस के जांचकर्ताओं की एक टीम से मिले और उनके सामने अपनी जानकारी पेश की। From the federal police, and we presented our information to them. काफी अच्छी मीटिंग रही। उन्होंने सारे सही सवाल पूछे। साफ था कि वे इसके बारे में सोच रहे थे। फिर पुलिस जांचकर्ताओं की टीम हमें रात के खाने और बियर के लिए बाहर ले गई। हमने बढ़िया जर्मन डिनर किया। जैसा मुझे याद है कि हमने ब्रॉटवर्स्ट खाया, खूब बियर थी और फिर वे इजाजत लेकर चले गए। मैं और मेरे सहकर्मी जितना हो सका थोड़ी देर और बाहर रहे। हमारे नजरिए से इसका कभी कुछ परिणाम नहीं निकला। कार ली पर इस तरह का कोई मुकदमा कभी नहीं चलाया गया, कभी नहीं। इस मनहूस वेबसाइट पर एक सुराग और है, साइट से जुड़ा एक अरबी फेसबुक ग्रुप। एडमिन का नाम करीम मुस्तफा। ऐसा लगता है कि वो भी जर्मनी में पढ़ रहा है और बर्लिन में रहता है। आश्चर्यजनक रूप से ये प्रोफाइल झांग जिंगबो की प्रोफाइल से बिल्कुल मिलती जुलती है। दोनों में चश्मे और एक किताब वाली प्रोफाइल फोटो हैं और दोनों पहली बार एक दूसरे के आने के दो दिन के अंदर ही फेसबुक पर एक्टिव हुए थे। उनमें कुछ और समानताएं भी हैं, दोनों का ही कुछ अता पता नहीं है। ये कथित छात्र बर्लिन या हाइडलबर्ग में प्रशासन के साथ पंजीकृत नहीं है। ऐसा लगता है मानो उनका वाकई कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये तथ्य कि ये लोग सिर्फ परछाइयां हैं और इनका कोई अस्तित्व नहीं है, सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये किसी देश द्वारा किया जा रहा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद ये एक सरकारी ऑपरेशन है, शायद कार्ल ली के बारे में बातें फैलाने की कोशिश करने के लिए सिर्फ एक सरकारी ऑपरेशन। खास तौर से उन देशों में जो खुफिया जानकारी पर काफी खर्च करते हैं और इस क्षेत्र में हजारों लोग काम करते हैं, बहुत मुमकिन है कि शायद कार्ल ली के खिलाफ, शायद बाकी नशीले पदार्थों के तस्करों या और गैर राजकीय खतरों के खिलाफ भी किसी ऑफिस में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसका काम ऐसे ऑपरेशन चलाना होगा। तो क्या ये साइट जासूसी एजेंसी के कर्मियों का काम हो सकती है? बहुत मुमकिन है कि वीडियो बनाने वाले लोग उसके बारे में कुछ जानते हों और उन्हें इस बात की अच्छी समझ हो कि वो इस तरह की किसी चीज पर क्या प्रतिक्रिया दे सकता है। साफ तौर से ये उसी ओर लक्षित किया गया है। जासूसी भाषा में कहें तो इन्फॉर्मेशन ऑपरेशंस या IO। एक तरह से उसका नाम लेकर उसे इस तरह शर्मिंदा करने वाली बात भी है, आग में घी डालने जैसा कुछ, यानी कुछ ऐसा करना जिससे सामने से कोई प्रतिक्रिया मिले ताकि आप या तो और जानकारी पा सकें या अपनी जानकारी और पुख्ता कर सकें। सोचा जाए तो शायद सरकारी करदाताओं का पैसा कहीं ना कहीं सुअर के पादने के वीडियो बनाने में जा रहा है। ये देखना वाकई अजीब है। सभी संभावनाओं में से दो राष्ट्र उभर कर सामने आते हैं। शायद विदेश जिन्हें कार्ली में सबसे ज्यादा रुचि थी, यानी अमेरिका या शायद इसराइल। इसराइल की संभावना ज्यादा है। इस देश की खुफिया सेवाएं गैर परंपरागत साइबर अभियानों के लिए जानी जाती हैं और ईरानी मिसाइलों से सबसे ज्यादा खतरा भी इसी देश को है। ऐसा खतरा जो हालिया वर्षों में लगातार बढ़ता जा रहा है, खासकर कार ली की गतिविधियों के कारण, विशेषकर जिसका असर उत्तर में गोलान हाइट्स में साफ दिखाई देता है। इसराइल ने 1967 में सीरिया से इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और तब से इस पर कब्जा कर रखा है। इसराइल के लिए ये चट्टानी पठार
अपने सबसे कट्टर दुश्मनों में से एक हिजबुल्लाह, जो यहाँ से उत्तर में लेबनान में स्थित है, पर नजर रखने के लिए रणनीतिक महत्व का है। सेना के प्रवक्ता जोनाथन कॉन्ड्रिकस काफी समय से यहाँ तैनात थे। आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं उसे ईरान के लिए तस्करी का हाईवे समझ लीजिए, जिसके रास्ते ईरान मिसाइलों, पुर्जों, बुनियादी ढांचे और मशीनरी को उत्पादन या परिवर्तित करने के लिए स्थानांतरित करता है। ये सब ईरान, इराक से सीरिया के माध्यम से और उन क्षेत्रों में लाया जाता है जिन्हें आप सीरियाई लेबनानी सीमा के करीब देख सकते हैं। ईरान कई सालों से लेबनान में अपने हिजबुल्ला सहयोगियों को सटीक मिसाइलों की आपूर्ति करने की कोशिश कर रहा है। जितना हम जानते हैं, कालली के बिजनेसों ने इन्हीं प्रोजेक्टाइलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिजबुल्ला हमारे बंदरगाह, हमारे हवाई अड्डे, सरकारी सुविधाएं और खतरनाक सामग्रियों जैसे सबसे संवेदनशील और बड़ी अहमियत वाले लक्ष्यों के खिलाफ सटीक निर्देशित मिसाइलों का उपयोग करने की कोशिश करेगा। बंदरगाह शहर हाइफा के संबंध में, जहां हजारों टन अमोनिया का भंडार था, पूरे देश को इस खतरे की असली प्रकृति के बारे में पता चल गया। यदि ये रसायन किसी तरह बह जाता तो संभावित रूप से सैकड़ों हजारों लोगों की जान खतरे में पड़ जाती। हिजबुल्ला के नेता को ये बहुत अच्छी तरह से पता था। हसन नसरअल्लाह ने पूरी बेशर्मी से कहा है कि हाँ, मैं हाइफा में अमोनियम कंटेनर पर निशाना साधूंगा, मैं इस पर हमला करने की कोशिश करूंगा और जितने हो सके उतने नागरिकों को मारने की कोशिश करूंगा। ये एक तरह के परमाणु बम की तरह होगा, क्योंकि यहाँ से हाइफा में अमोनियम टैंकों पर छोड़ी गई कुछ मिसाइलों का प्रभाव एक सा ही होगा। तो ऐसा है ये दुश्मन जिससे हम निबट रहे हैं। हिजबुल्ला के नेता की इस धमकी के बाद हाइफा में अमोनिया टैंक खाली कर दिया गया, लेकिन इजराइल में और भी केमिकल फैक्ट्रियां हैं जो ईरान के सटीक निर्देशित मिसाइलों का लक्ष्य हो सकती हैं। इसलिए भी कि कार्ल ली ने सालों तक तेहरान को नेविगेशन उपकरणों की आपूर्ति की है और पश्चिम की सभी जासूसी एजेंसियां केवल किनारे खड़े रहकर बेचारगी से देखती रहीं। मुझे याद है कि अधिकारी बहुत गुस्से में थे। हो सकता है कि ये सिर्फ ट्रंप का मकसद था, क्योंकि वो चीन को लेकर हमेशा गुस्से में रहते थे, हर चीज के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराते थे। वो चीन के खिलाफ अभियान पर थे, तो मैंने कहानी लिखी। 2019 में जेफ स्टाइन ने कार्ल ली के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप के नए प्रतिबंधों पर न्यूज वीक में एक लेख प्रकाशित किया और चीनी सरकार के प्रति अधिकारियों के क्रोध पर। उन्होंने मुझसे कहा कि ये नए प्रतिबंध तो बस शुरुआत भर हैं। हम इससे ज्यादा करने जा रहे हैं। हम वास्तव में ली फेंगवे को लेकर चीन को सबक सिखाने जा रहे हैं। लगभग उसी समय ट्रंप प्रशासन के एक सदस्य ने ट्विटर पर ली फेंगवे उर्फ कार्ल ली और चीन की सरकार की निंदा करनी शुरू कर दी। वो थे उस समय के सहायक विदेश मंत्री क्रिस्टोफर फोर्ड। ली फेंगवे लंबे समय तक चीन में हथियारों की तस्करी में सबसे कुख्यात था और आखिरकार कुछ भी नहीं किया गया, और ये बहुत लंबे समय तक एक बड़ी समस्या बनी रही। जब मैं सरकार में था, हमने चीन पर दबाव बढ़ाया और उन्हें इस पर अधिक ध्यान दिलवाने की कोशिश की। ट्रंप प्रशासन ने चीन और ईरान दोनों पर एक साथ दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। ईरान की जिम्मेदारी एक कट्टरपंथी और राष्ट्रपति के करीबी विश्वास पात्र ब्रायन हुक पर थी। वो उस समय ईरान के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि थे। ईरानी शासन 40 साल से अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगा रहा है। मिडिल ईस्ट को आतंकित करने की कोशिश में ईरान अपने मिशन में बहुत सफल रहा है। ये एक भ्रष्ट धार्मिक माफिया है जिसने अपनी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए अपने ही लोगों को बेहद गरीब बना दिया है, जो विचारधारा वे दुनिया भर में निर्यात करते हैं। हमारे प्रशासन के दृष्टिकोण में ये अलग है कि हम एक दबाव अभियान चला रहे हैं जिसकी कोई ऐतिहासिक मिसाल ही नहीं है। लेकिन अजीब बात है कि ब्रायन हुक उस व्यक्ति पर चुप्पी साधे रहे जो शायद ईरानी मिसाइल कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण विदेशी सप्लायर था। मेरे पास कार्ल ली पर कोई टिप्पणी नहीं है, मेरे पास इस पर आपको बताने के लिए कोई नई जानकारी नहीं है। ये 2019 के मध्य की बात है जब वॉशिंगटन में अचानक सन्नाटा छा गया।
हमें तब से कुछ सुनने को नहीं मिला, तो क्या चल रहा है? सहायक विदेश मंत्री क्रिस्टोफर फोर्ड ने भी अचानक कार्ल ली पर टिप्पणी करना बंद कर दिया। हमने ट्वीट बंद करने का फैसला किया है, मैं फिलहाल इतना ही कह सकता हूँ। ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये कुछ खास जानकारी नहीं है। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था जो मेरे लिए एक राज था। फिर मैंने 1.5-2 साल बाद उन्हीं अधिकारियों को दोबारा पकड़ा। कभी कभार मैं फोन करता और पूछता कि भाई चल क्या रहा है, वे इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे थे। या तो अधिकारी उसके बारे में बात करने से कतराते या फिर उनकी याददाश्त कमजोर हो जाती, उन्हें अचानक याद ही नहीं रहता। मुझे उन्हें याद दिलाना पड़ता कि आप जानते हैं उसे, कार्ल ली, वो चीनी आदमी। ओहो, अच्छा वो, तो यानी वे कार्ल ली के बारे में बात ही नहीं कर रहे थे। कार्ल ली तो शायद उनके दिमाग में दूर दूर तक नहीं होगा, और अगर दिमाग में होगा भी तो भी वे उसे जाहिर नहीं कर रहे। और फिर हु इज ली फेंगवे वेबसाइट बंद हो गई। कार्ल ली का क्या हुआ? एक टीम चीन में खोजी मिशन पर डालियन से उत्तर की ओर यात्रा करती है। ऐसा माना जाता है कि कार्ल ली की ग्रेफाइट फैक्ट्री बंदरगाह शहर से 100 किलोमीटर दूर है। ये लंदन के किंग्स कॉलेज के शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई जानकारी पर आधारित है। ये फैक्ट्री कार्ल ली को उसके खास कार्य क्षेत्र में कई बाकी लोगों से अलग बनाती है, जो उसे एक व्यापारी और एक निर्माता दोनों बनाती है। चिमनी पर लिखा है स्वागत है, कंपनी का नाम है सिनोटेक कार्बन। कंपनी 2006 से चालू है। एक चौथाई शेयर कार्ल ली के हैं और बाकी उसके छोटे भाई ली फेंग डोंग के हैं। सवाल ये था कि क्या ये अब औद्योगिक खंडहर हो चुका है? क्या इसमें कुछ बचा है? क्या अब भी यहाँ ग्रेफाइट उत्पाद सक्रिय रूप से उत्पादित किए जा रहे हैं? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब सिर्फ करीब जाकर मिल सकता था। जब आप इमारत के पास पहुंचते हैं तो ये लगभग एक औद्योगिक खंडहर जैसी दिखती है, एक ऐसा परिसर जहां आपको एहसास होता है कि वहां कुछ नहीं हो रहा। लेकिन फिर आप नवीनतम निगरानी तकनीक वाले क्षेत्र देखते हैं, ढेर सारे कैमरे कारखाने की साइट पर आने वाले किसी भी व्यक्ति पर नजर रख रहे हैं। जाँच किसी भी वक्त अचानक खत्म की जा सकती है, लेकिन होता ठीक उल्टा है। आप आसानी से फैक्ट्री में घुस सकते हैं, दरवाजे खुले हुए हैं। दिलचस्प बात ये कि उस समय वहाँ बात करने के लिए कोई भी नहीं था। दुनिया के सबसे मोस्ट वांटेड व्यक्तियों में से एक की फैक्ट्री की साइट पर, और वाकई यहाँ टनों ग्रेफाइट भरा पड़ा है, जिस सामग्री की ईरानी मिसाइल इंजीनियरों को तुरंत जरूरत थी और कार्ल ली द्वारा उन्हें भारी मात्रा में आपूर्ति की गई थी। दिखने में जीर्ण शीर्ण लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब वहाँ कुछ नहीं बचा। फैक्ट्री के एक हिस्से में साफ तौर से उत्पादन चालू था। ये मानते हुए कि इसे दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार डीलर माना जाता है, FBI ने इस आदमी पर $50,00,000 का इनाम रखा है। आप अचानक उस जगह पर पहुंचते हैं जो इसके पूरे साम्राज्य का केंद्र माना जाता है, और आप सोचते हैं क्या सच में तो ये है सबसे खतरनाक आदमी? यहाँ ऐसा लग रहा है मानो हम किसी वीरान जगह आ पहुँचे हैं। तब आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर पूरा माजरा है क्या। दोनों व्यक्तियों के पास अब भी 2 इक्के बाकी हैं, कार्ल ली के सबसे करीबी लोगों के 2 टेलीफोन नंबर। शूटिंग खतरे में ना पड़ जाए इसलिए वे फैक्ट्री के दौरे के बाद कॉल करते हैं। ली फेंग डोंग ली फेंगवे के छोटे भाई हैं। वो वाकई काफी उल्लेखनीय कॉल थी।
क्योंकि उन्होंने हमारी कई जानकारियों की पुष्टि की थी। उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने अतीत में ईरान के साथ व्यापार किया था पर अब नहीं करते। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कि फैक्ट्री अब भी सक्रिय है और उत्पादन अब भी चालू है, यानी साइट पर हमने जो देखा उन्होंने उसकी पुष्टि की और कहा कि दुर्भाग्यवश हम उनके भाई से नहीं मिल पाएंगे। फिर हमने दूसरे नंबर पर कॉल किया। ऐसी अटकलें थीं, खासकर किंग्स कॉलेज की शोध रिपोर्ट में, कि ये हमें परिवार के बड़े भाई तक ले जा सकता है। जब हमने उनसे ली फेंगवे उर्फ कार ली के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि फिलहाल वो खुद उन तक नहीं पहुंच पा रहे। आखिर कार ली है कहां और अब वॉशिंगटन में भी कोई उसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहा? बाइडेन प्रशासन की शुरुआत में मैंने कार्ली के बारे में हल्के से पूछना चाहा, लेकिन किसी ने चूं तक नहीं की। आप तो जानते ही हैं, मैं एक खुफिया इंटेलिजेंस अफसर रह चुका हूं। सालों से CIA और बाकी खुफिया एजेंसियों को कवर कर रहा हूं, तो मैंने सोचा कि हो सकता है हमने ली फेंगवे को अब अपने पाले में ले लिया हो, हो सकता है अब वो हमारा आदमी हो। कार्ल ली, एक डबल एजेंट जो दुश्मन के साथ मिलकर अपने ही बिजनेस पार्टनरों को धोखा दे रहा है, ये दूर की कौड़ी है, लेकिन ऐसा पहले भी हो चुका है। मेरा मतलब है कि मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, पर मेरा दिमाग ऐसे ही काम करता है। मेरा मतलब है कि मुझे कोई और तार्किक स्पष्टीकरण नहीं मिला कि अमेरिका अचानक ली फेंगवे के बारे में चुप क्यों हो जाएगा, पर चीन में उसकी जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं होगी। मेरा आशय है कि हमें सार्वजनिक रिपोर्टिंग से पता चला है कि चीन में CIA की कार्रवाइयाँ कुछ खास काम नहीं करती। ऐसी सुरक्षा खामियां थीं जिनके कारण चीन में दर्जनों CIA सूत्रों को दोषी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया या उन्हें मार दिया गया। फिर एक नया रास्ता खुलता है ऑनलाइन 31 मिनट के लिए। चीनी विकिपीडिया पर ली फेंगवे पर लिखे एक लेख में संस्करण इतिहास में लिखा है 8 जनवरी 2021 को सुबह 6:58 पर एक अनाम यूजर ने ये अंश जोड़ा। अप्रैल 2019 में पुलिस ने ली फेंगवे को राज्य द्वारा आयात और निर्यात से प्रतिबंधित वस्तुओं और माल की तस्करी के संदेह में हिरासत में लिया। 2020 के अंत में ली को डालियन शहर में प्री ट्रायल हिरासत में रखा गया। सुबह 7:29 पर उसी यूजर द्वारा ये अंश हटा दिया गया। वजह ये थी कि ये जानकारी किसी विश्वसनीय स्रोत से नहीं आई थी। क्या जवाब यही है कि वो जेल में है? फिर FBI अब भी $50 लाख के इनाम के साथ उसका पता लगाने की कोशिश क्यों कर रही है? जांच में अब भी एक आखिरी पता बाकी है। एक ऐसी कंपनी का मुख्यालय जिसका 60% हिस्सा अब भी निजी रूप से कार्ल ली के पास है। इस कचरा भरे परिसर में एक कंपनी है जो अब भी सक्रिय है। इसे डालियन ट्रस्ट इंडस्ट्री कहा जाता है और इसने लाखों की बिक्री की है। आधिकारिक सीमा शुल्क डेटा से पता चलता है कि परमाणु रिएक्टरों के लिए घटकों को यहीं से निर्यात किया गया है। जब हमने पहली बार घंटी बजाई तो दरवाजे पर कोई नहीं आया, इसलिए हमने सही पता सुनिश्चित करने के लिए अगले घर से पूछा और उन्होंने कहा हाँ हाँ पता तो सही है, लेकिन हमें पीछे की तरफ जाना चाहिए क्योंकि पड़ोसी बगीचे में हो सकता है। क्या यही वो जगह है जहाँ सभी के सवालों के जवाब मिलने वाले हैं? हम घूमकर पीछे गए और कार्ली के बारे में पूछा।
हम ली फेंगवे नाम के व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं, क्या आप उसे जानते हैं? शायद मैंने ली फेंगवे का नाम सुना है, पर वो तो जेल में था ना? कहाँ? क्या मतलब वो जेल में है? वो किसी मुसीबत में है? हाँ, कुछ हरकतों की वजह से उसे जेल हो गई। आप समझते ही हैं, शायद जेल में ही है। और अचानक उसने जानना चाहा कि हम क्यों पूछ रहे हैं। कुछ ही देर में हमारी बात खत्म हो गई। डालियन में कार्ली की कंपनियों के संभावित दफ्तरों के पतों पर जाकर आपको ये एहसास होगा कि सब कुछ बहुत अजीब है। हाँ, ये निजी पते हैं, ये लोग निजी व्यक्ति हैं, पेंशन भोगी हैं, इनमें से कोई भी कोई व्यवसाय नहीं चला रहा। उन्हें शायद ठीक ठीक पता भी नहीं है कि उनके नाम पर क्या किया जा रहा है। sehr wahrscheinlich gar nicht wissen, was genau in ihrem Namen dort angestellt wird. ये एकदम बेहतरीन आवरण जैसा लगता है, संदेह ना करने वालों की रक्षात्मक ढाल जैसा, एक ऐसी भूल भुलैया जो ली फेंगवे, कार्ल ली, पैट्रिक, डेविड या चार्ल्स, सनी बाई या सॉन्ग दहाई, जो भी वो खुद को बुलाता है, उसके करीब आने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को निगल जाती है। पर क्या फिर भी वो पड़ोसी सही हो सकता है? 50 वर्षीय व्यक्ति अब जेल में है, क्योंकि आखिरकार 2 दशक बाद चीनी सरकार ने उसे खेल से बाहर कर दिया। अगर कोई है जिसे सब पता होगा तो वो सिर्फ क्रिस्टोफर फोर्ड है, वो वरिष्ठ अधिकारी जिन्होंने अचानक ट्विटर पर कार्ल ली और चीनी सरकार की निंदा करनी बंद कर दी। जब आपने ट्वीट करना बंद कर दिया था, क्या उसके कारणों में से एक कारण ये था कि उसे उस समय गिरफ्तार कर लिया था? जैसा मैंने कहा कि मैं कार्ल ली के संबंध में कोई भी जानकारी देने की स्थिति में नहीं हूँ। क्रिस्टोफर फोर्ड कोई सटीक उत्तर नहीं देते, क्योंकि कार्ल ली गाथा में हाल के घटनाक्रम गोपनीय है, लेकिन उनकी बातें कुछ इशारा जरूर करती है। मुझे हमेशा शक था, जैसे जैसे हमने कार्ल ली की ओर ध्यान आकर्षित किया था, अगर हम भाग्यशाली होते तो वे वाकई थोड़े नेटवर्क बंद कर देते। यदि हम कम भाग्यशाली रहते तो भी वे उसके साथ कुछ ऐसा कर सकते थे जिससे हमारी आलोचना कम हो जाती और उन्हें ये कहने की गुंजाइश मिल जाती कि अब कोई समस्या नहीं है, और हम उनका खंडन करने में असमर्थ हो जाते। अतीत में जब भी दोनों देशों के बीच व्यापार पर चर्चा होती थी, अमेरिकी सरकार अक्सर बीजिंग से रियायतें हासिल करती थी, और वाकई उस दौरान चीन के राष्ट्र प्रमुख शी जिनपिंग ने नए भारी माल शुल्क लगाने से बचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। बीजिंग ने उस समय कुछ रियायतें दी, इस संकेत के साथ कि ली फेंगवे की गिरफ्तारी उनमें से एक हो सकती है। अगर ये सच है तो भी क्या समस्या हल हो गई? क्या दुनिया कम से कम थोड़ी तो सुरक्षित हो गई? ली फेंगवे लंबे समय तक हथियारों के प्रसार की समस्या का चेहरा बना हुआ था, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि अगर कल ली फेंगवे के सिर पर पहाड़ भी गिर जाए तो भी प्रसार की समस्या खत्म नहीं होगी। ये संस्थानें काफी अच्छी तरह से स्थापित हैं, जिनके पास कुछ हद तक आधिकारिक संरक्षण और शायद ऐसा करने की अनुमति भी है। ऐसा माना जाता है कि उसका नेटवर्क अब भी सक्रिय है, चाहे वो हो या न हो। ये एक बहुत ही अस्पष्ट क्षेत्र है, और ये ऐसा कुछ है जिसके बारे में हम शायद कभी बाद में सुने, या आप शायद इसके बारे में कभी न सुने, भले अभिलेखागार 30 या 40 वर्षों में ही क्यों न खोले जाएं। ये एक तरह की ठेठ कार्ली कहानी है, ये दिन ब दिन और ज्यादा अजीब होती विचित्रता की तरह है। एक आखिरी कोशिश, छोटे भाई के नंबर पर एक और कॉल की गई। कार्ल ली कहाँ है? The number you have dialed is not in service.